रुद्रप्रयाग में केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों के नेतृत्व में जिला युवा कांग्रेस का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कि संतोष रावत युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुने गए। उन्हें 369 मत पड़े। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दीपांशु बर्तवाल को 275 वोटों से हरा दिया। दीपांशु बर्तवाल उपाध्यक्ष बने तो वहीं आशीष राणा के साथ 5 अन्य लोगों को जनपद महासचिव बनाया गया। विश्वास के और मेंबरशिप के आधार पर चुनाव होते हैं और उसी पर जिलाध्यक्ष मुझे बनाया गया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने लोगों का। और सबसे पहले 2019 से पहले हमारे उत्तराखंड में निकाय चुनाव है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हर बूथ पर जाकर प्रत्येक बूथ से मजबूती से खड़े हो और अब प्रत्येक नगर निकाय से हम अपना अध्यक्ष निकाल कर लाए, अपने सभासद निकाल कर लाए। केंद्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान और वाराणसी से जनपद में पदाधिकारियों के चुनाव संपन्न करने के लिए टीम भेजी गई थी और मतदान गुप्त तौर पर किया गया। आपको बता दें कि 2019 में कांग्रेस अपनी खोई बिसात को पाने के लिए जनपद से लेकर खंड विकास और तहसील स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम को मजबूत करने में जुटी हुई है। चुनाव पर्यवेक्षक का कहना है कि सबसे पहले नगर निकाय के चुनाव हैं, जिसमें कि कांग्रेस अपना परचम लहराएगी, साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी खोई हुई सीटों को वापस लाना चाहेगी। संगठन का कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र की प्रणाली पर विश्वास करती है, यही कारण है कि चुनाव को पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाया गया। संगठनात्मक चुनाव हमारा था यूथ कांग्रेस का, और यहाँ से जिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए मेंबरशिप किया था, मेंबरशिप के बाद इलेक्शन फाइट किया है, जिन लोगों ने परिश्रम किया हुआ चुनाव जीत करके हमारे बीच में आए हुए हैं, और आगे की रणनीति इन्हें बनाना है कि इनको करना क्या है। हमारा इनको ये सुझाव है कि इनके माध्यम से यहाँ पर यूथ कांग्रेस को हम मजबूत करेंगे। कांग्रेस तो युवामय हो चुका है आज, जितनी संख्या युवाओं की कांग्रेस पार्टी में है मुझे नहीं लगता कि उतनी जनसंख्या या संख्या किसी और पार्टी में होगी। और कांग्रेस आने वाले चुनाव में 30% से अबव यूथ कांग्रेस के लोगों को जगह देगी। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।